हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं प्लस टू एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास रचयिता करता है, वह बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है। ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, इसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th, CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या प्लस 2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए, जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है। दोस्तों, ये तो था आपके लिए, अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 53। जिस रात अलमर्दाना की सेना में सलानी वरोल में डोरा डाला, उस रात विराटा के राजा ने अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा करके लड़ाई की तैयारी की। बाहर निकलकर नवाब की सेना से सफलतापूर्वक लड़ना विराटा की सेना के लिए बहुत कठिन था, परंतु उसे अपने जंगल पहाड़ और भाई बेताब की धार का बड़ा भरोसा था। और फिर वह कोई पहली ही लड़ाई नहीं थी, मुख्य लोगों की बैठक हुई। सबको विश्वास था कि देव सिंह समय पर सहायता देगा। सब जानते थे कि देव सिंह पालर की ओर से आ रहे हैं, परंतु सबकी शंका थी कि यदि इस नवाब की सेना बीच में पड़ी तो राजा की सेना इस ओर आना बहुत कठिन हो जाएगा, और यदि नवाब ने एक दस्ता विराटा को नष्ट करने के लिए भेज दिया और उसी समय रामनगर के आक्रमण हो गया तो भयंकर समस्या उपस्थित हो जाएगी। ये सब बातों पर विचार हुआ। अधिकांश लोगों में लड़ाई का उत्साह था। सफदर सिंह समेत भाषा में बोल रहा था, परंतु दृढ़तापूर्वक निश्चय से भरा हुआ था। अंत में कुमुद के विराट में बने रहने की विषय में प्रश्न उपस्थित हुआ। अधिकांश लोगों का धारणा हुआ कि कुमुद को किसी दूसरे स्थान पर भेज देना चाहिए। सफदर सिंह अपने निश्चय
सेन से निडर तक उसने कहा, मैं फिर यही कहूँगा कि उसको यहाँ बने रहने में ही हम लोगों की कुशल है। उन्हें वहाँ से हटाओ, तो मूर्ति को हटाओ, मंदिर को हटाओ। कुज्जर सिंह वही था सभा में नहीं, सभा से दूर मंदिर में, परंतु उसका विराटा में होना सफदर सिंह को मालूम हो गया था और लोगों ने इच्छा प्रकट की कि कुज्जर सिंह को हटा दिया जाए। नरपति बोला, परंतु वह कहते हैं कि हम दुर्गा की रक्षा करते करते अपना प्राण देंगे, हम किसी के राजपाट से कुछ सरोकार नहीं हैं। उन्होंने शपथ पूर्वक कहा है कि देव सिंह के साथ नहीं लड़ेंगे। सबल ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु जब देव सिंह को मालूम होगा कि कुज्जर सिंह हमारे यहाँ आश्रय पाए हुए हैं, तब हमारी बात पर से उनका विश्वास उठ जाएगा और वह अपना हाथ हमसे खींच लेंगे। नरपति बोला, तब जैसा आप चाहें करें, परंतु वह अपनी शरण में है और यह स्मरण रहना चाहिए कि वह राजकुमार भी हैं, किसी को भी सब दिन एक से एक नहीं रहते। उन्होंने शपथ ली है कि हमें किसी के राजपाट से कोई सरोकार नहीं है। सफदर ने अपनी सम्मति बदलते हुए कहा, वह हमारे और देव सिंह राजा दोनों के सामान्य शत्रु से लड़ने में सहायक होंगे। सुना है तोप अच्छी चलाते हैं, मंदिर में बना रहने देंगे, वहाँ से वह तोप चलवाएंगे, कोई हर्ज नहीं। नरपति सोच में पड़ गया। कुछ क्षण बाद बोला, कुमुद देवी विश्वास दिलाती है कि कुज्जर सिंह कभी दगा न करेगा, छल उन्हें छू नहीं गया है, वह तोप चलाने का काम बहुत अच्छा जानते हैं। खंड 54। अलमदाना की सेना ने विराड़ा को और दलीप नगर की सेना में रामनगर को अपना लक्ष्य बनाया। लोचन सिंह भंडोर पर धावा करना चाहता था, परंतु देव सिंह की स्पष्ट आज्ञा थी कि भंडोर पर आक्रमण करके कठिनाइयों को न बढ़ाया जाए। यह प्रपंच लोचन सिंह की समझ में अच्छी तरह न आता था कि भंडोर की सेना हमारे ऊपर तो आक्रमण करे और हम शत्रु के राज्य के बाहर से उसका विरोध करें, परंतु उसके घर में घुस कर मार न करें। इसका समाधान लोचन सिंह को इस प्रकार मिला कि दिल्ली का बादशाह इस भांति की लड़ाई को आत्मरक्षा समझकर तरह दे देगा, परंतु शाही सूबे में घुस कर मार काट करने की चुनौती का रूप दे डालेगा। उधर अलमदाना ने सलोन भरोर से शीघ्र कूच कर दी, तोपे वह बहुत कम साथ ला सका था। विराटा में प्रवेश करने की पूरी चेष्टा की, परंतु मुसावली के पास दिलीप नगर के कई दस्तों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों दलों के अनचाहे स्थानों पर मोर्चाबंदी करनी पड़ी। अलमर्दाना की सेना धनुष के आकार में नदी किनारे किनारे रामनगर के नीचे तक वर्कों में फैल गई। दिलीप नगर की सेना रामनगर और विराटा की हस्तगत करने के प्रयत्न में इस मोर्चेबंदी का प्रतिकार करने प्रथम से ही विवश हुई। न तो अलमर्दाना रामनगर की टुकड़ियों से मिल पाता था और न दिलीप नगर की सेना विराट में पहुंच पाती थी। रामनगर के गार्ड से विराटा और देव सिंह के मोर्चे पर गोलीबारी की जा रही थी, परंतु इतनी शिस्तता और अनजानेपन के साथ कि वह बहुत कम हानि पहुंचा रही थी। उधर विराटा के सेना को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अधिक सुभाता था, परंतु अलमर्दाना को रोकथाम के सिवा वहाँ के भी गोलंदाज और अधिक कुछ नहीं कर पा रहे थे। दलीप नगर की तोपें रामनगर की गाड़ी की ढीला कर देने में कोई कसर नहीं लगा रही थी। इस तरह लड़ते लड़ते कई दिन हो गए। देव सिंह को चिंता हुई। मंत्राना के लिए एक दिन राजा जनार्दन, लोचन सिंह और कुछ और सरदार बैठे। जनार्दन ने कहा, यदि अलमर्दाना के पास और कुमुक आ गई तो बादशाह ने हम लोगों को बागी समझकर दिल्ली से कोई बड़ा दस्ता भेज दिया तो बड़ी कठिनाई होगी, युद्ध खिंच गया है, कौन जाने क्या होगा। लोचन सिंह बोला, क्या होगा, आप अपने घर में बैठकर जप तप करना, हम अपनी निवट लेंगे, इस बातों से काम न चलेगा। लोचन सिंह, राजा ने कहा, इस समय हम यह निश्चित कर रहे हैं कि सिर क्या करना चाहिए। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यह आता है कि इधर उधर की हाथापाई छोड़कर भंडोर पर जोर हमला बोल दिया जाए तो अलमर्दाना को लेने के देने पड़ जाएंगे। यह तो नहीं हो सकता, जनार्दन ने कहा। राजनीति इस समय ऐसा करने में रोकती है, देव सिंह बोला। लोचन सिंह तुरंत बोला, मुझे महाराज जो आज्ञा दें उसके लिए तैयार हूँ, परंतु केवल राजनीतिक विधारों में लड़ाई के दाव पेच सीखने का उत्साह मेरे भीतर नहीं है। उस सेना का भार जिसका संचलन शर्मा जी कर रहे हैं किसी और को दीजिए, तब
राजा देव सिंह ने सनी और दुर्दनता से ढंग से कहा, चमुंडा राय, कल तुम्हारी सुरता और विलक्षण प्रसिद्धि की फिर परीक्षा है। लोचन सिंह बोला, क्या आज्ञा है? कल रामनगर की गढ़ में हम लोग प्रवेश कर लें। राजा ने कहा। शब्द की झंकार सब लोग कानों में समा गई। लोचन सिंह की आंखों से चिंगारी सी यह छुटी। बोला, आज्ञा का पालन होगा, परंतु दो शर्तें हैं। राजा ने कहा, तुमने चमुंडा राय कभी आज तक वीरता प्रदर्शन में शर्त नहीं लगाई, आज नई बात कैसी? पहली तो यह कि लोचन सिंह ने उत्तर दिया, सैन्य संचालन का काम आपके हाथ में न रहे, और दूसरी यह कि मैं यदि मारा जाऊं तो मेरी लाश की मिट्टी बिगाड़ने न पावे, उसकी खोज करके शास्त्र के अनुसार दाह किया जाए, नदी में न फेंका जाए और न किसी गाड़ में डाला जाए, स्वीकृति है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, जनार्दन मेरे साथ रहेंगे, मैं अब इनके दस्ते का संचालन करूँगा। खंड 55। विराटा की रक्षा दृढ़ता के साथ हो रही थी। दागियों ने अपने स्थानों को बचाने के लिए प्राण की ओर लगा रखी थी। घड़े के भीतर आदमी बहुत अधिक न थे, तोप भी थोड़ी ही भी थी। तोपों के चलाने वाले भी चतुर न थे, परंतु उन लोगों में मर मिटने की लगन थी और विश्वास था कि देवी उनकी सहायता पर है। नदी के पश्चिमी जो है तटवर्ती भरखों में अलमर्दाना की सेना विराटा गड्ढे पर आक्रमण करती थी, परंतु बेताब की धार उसे विफल मनोरथ कर देती थी। देव सिंह की सेना की चपेट के कारण अलमर्दाना को विराटा के पीस डालने का अवकाश न मिल पाता, नहीं तो विराटा के थोड़े ही बहादुरी दागी बहुत देर तक नहीं टिक सकते थे। विराटा युद्ध में कुज्जर सिंह को कोई स्थान न मिल सका था। सफदर सिंह की यह धारणा थी कि कुज्जर सिंह को हरावल में या कहीं पर भी कोई मुख्य पद देने से देव सिंह का विमुख हो जाना संभव है। ऐसी दशा में उसे मंदिर की रक्षा के काम पर नियुक्त कर दिया। कुज्जर सिंह का विराटा से निकल भागना असंभव था। सफदर सिंह को विश्वास था कि उसे वहाँ केवल बने रहने देने में देव सिंह अप्रसन्न न होंगे। एक दिन कुज्जर सिंह ने रामदयाल को मंदिर के पास अचानक देखा, चकित हो गया। खास खरा पहरा देते हुए भी कैसे प्रवेश पा गया? उसकी पहली इच्छा यही हुई कि तलवार के बाढ़ समाप्त कर दे, परंतु रामदयाल मुस्कुराता हुआ उसी की ओर बढ़ा। कुज्जर सिंह अपनी इच्छा पूरी करने में हिचक गया। रामदयाल ने कहा, राजा मुझे शायद अपना शत्रु समझते हैं, संभव है राजा की कल्पना सही हो। कुज्जर सिंह इस विजोर मतलब दृढ़ हो गया और किंचित वृद्ध रामदयाल ने और पास आकर कहा, परंतु आप और मैं सामान्य भाव से इस गढ़ की रक्षा की आकांक्षी हैं। मैं अब महारानी की सेवा में नहीं हूँ, राजा देव सिंह का संदेशा लाया हूँ। रानी को किस दलदल में फंसा कर चले आए हो? कुज्जर सिंह ने कठोरता के साथ प्रश्न किया। मैंने किसी को दलदल में नहीं फंसाया है, रामदयाल ने ठड़क के साथ उत्तर दिया। मैं खुद उनके पीछे बहुत बर्बाद हूँ, बहुत मारा मारा फिर रहा हूँ, उनका मुझ पर भी विश्वास नहीं रहा, तब निकाल दिया। मैं राजा देव सिंह की शरण में गया, उन्होंने क्षमा प्रदान करके अपना लिया है और यहाँ भेजा है। राजा देव सिंह के नाते से आप भले ही मुझे अपना वैरी समझे, परंतु मैं आपके बैर के योग्य नहीं हूँ। कुज्जर सिंह ने एक क्षण सोचा, रामदयाल की बात पर उसे जरा भी विश्वास न हुआ। पूछा, क्या संदेश लाए हो? यदि क्षमा किया जाए तो कहना चाहता हूँ कि मेरा संदेशा यहाँ के राजा सफदर सिंह के लिए ही है। कुज्जर सिंह का भी जय गया। बोला, तब चलो उनके पास, मैं साथ चलता हूँ। किसी को भेजकर उन्हें यहीं बुलवा लीजिए, सबके सामने जाने से संदेश खुलकर फैल जाने का भय है, रामदयाल ने कहा। पास ही एक तोप लगी हुई थी, गोलदास और सैनिक वहाँ नियुक्त थे। कुज्जर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा, यह मनुष्य शत्रु या मित्र पक्ष का है अभी निश्चित नहीं हो सका है, किस क्षण में इसे समझा जाए। राजा से कुछ बात करना चाहता है, उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो, मैं इस पर तब तक पहरा लगाता हूँ। थोड़ी देर में वह सैनिक सफदर सिंह को लेकर आ गया। राजा ने उतरवाली में पूछा, क्या बात है? वो बोला, क्या मैं राजा कुज्जर सिंह के सामने कह सकता हूँ? राजा देव सिंह का संदेश है। कुज्जर सिंह ने झुंझला कर, मैं अब विराटा का शुभकांक्षी हूँ। अब जो विराटा के मित्र हैं वह मेरे मित्र हैं, जो उसके शत्रु हैं वह मेरे शत्रु हैं। सफदर सिंह बोला, तुम अपना संवाद सुनाओ।
रामदाल ने कहा, कल बड़े जोर का आक्रमण आपकी गढ़ पर होगा। अलमर्दाना की सेना का उसका ध्यान बटाने के लिए हमारे महाराजा रामनगर पर बड़े जोर का हमला बोलेंगे। आप तो भोगी बाढ़ का पक्का बंदोबस्त रखें। खंड 56। रात का समय था, काली रात, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। पवन ने पैरों को चूम कर जो है सुला सा दिया था। बेताब अचेत पत्थरों से निरंतर टकरा कर अनंत काल कल शब्द रच रच कर रह रह जाती थी। कुज्जर सिंह मंदिर की दीवार के पास एक टोर की आड़ में यहाँ से नदी की धार रामनगर की ओर से बह कर आई है। कंधे से बंदूक लगाए अकेला बैठा था, उत्साह था, हृदय में अपूर्ण बल प्रतीत होता था। मंदिर की रक्षा के लिए, मंदिर की विभूति के लिए दिन के गोलियां पास से निकल जाती थी। गोले धम से आकर धूल और कंकड़ों के बिखरे बिखार देती थी। एक छोटी सी जगह उस युद्ध में सफदर सिंह ने दे रखी थी, उसके उस राजकुमार ने बहुत समझा। मुस्तैदी से अपने स्थान पर डटा रहता था। केवल प्रातः काल मंदिर में दर्शन के लिए जाता था और एक अदर बार दिन में भी नरपति की कुशल क्षेम पूछने को गुफा पर पहुंच जाता था। यट और यहाँ एक कंबल और लोटा लेकर कुज्जर सिंह सशस्त्र डटा रहता था। उसके लिए तीर्थ स्थान सी लगने लग गई थी, परंतु उस रात मन बेचैन था। रामदयाल पिशाच है, उसकी पिशाचिकता को सफदर सिंह नहीं समझता। गोमती उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। वह क्या आया है, वह यहाँ क्यों आया है? अवश्य अलमर्दाना का भेदी है, निस्संदेह कुछ उत्पात खड़ा करेगा, शायद विराटा को ध्वस्त करने की चिंता में हो। कुमुद इस युद्ध का लक्ष्य है, देव सिंह बचाने के लिए आ रहा है। यदि इस समय मैं दलीप नगर का राजा होता तो देव सिंह की अपेक्षा कहीं अधिक प्रबलता और चतुरता के साथ युद्ध करता। राजा नायक सिंह के वेरे से उत्पन्न एक हाथ भूमि के लिए जंगलों से मारा मारा भटके और देव सिंह दिलीप नगर की सेना का संचालन करे। रामदयाल क्यों आया? वह रामदयाल जो राजा नायक सिंह की वासनाओं की तृप्ति के लिए खुल्ले में खुल्ला साधन जुटाया करता था, वही जो देव सिंह का शत्रु है और साथ ही विराटा के सब लोगों का, और अवश्य ही विराट जो है निवासी सुनी कुमुद की भी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इसके कुछ चक्रों का निवारण कर सकता हूँ, करूँगा। फिर अपनी तोपों की ओर ध्यान गया और जिस प्रयोजन से वह वहाँ स्थिति थी, वह स्वयं उस स्थान पर जिस धारणा को लेकर गाढ़ सा था उस ओर भी ध्यान गया। कुज्जर सिंह दबे पांव गुफा की ओर गया। गुफा में निवोर अंधकार था, पत्थर से सट कर कुज्जर सिंह ने कान लगाया। उस तमोराशि में केवल कुछ सांसे का शब्द सुनाई पड़ता था। इस गुफा में वो देवी है, कुज्जर सिंह ने सोचा। कल्याण और रूप, सुंदरता और लवण, वरदान और प्रेरणा की वो निधि उस कठोर गुफा के भीतर। कुज्जर सिंह और अधिक नहीं ठहरा, उसका कर्तव्य इस निधि की रक्षा का साथ संबंध था। लौट आया, मन में कहा, देवी को किसी का कोई सपना भी कभी आता होगा। खंड 57। दिलीप नगर और भंडोर की सेना एक दूसरे पर बिना बड़ा नरसंहार किए हुए तोपों और बंदूक दाग रही थी। इक्के दुक्के सैनिक लड़ भिग जाते थे, कभी कभी छोटी छोटी टोलियों की मुठभेड़ भी हो जाती थी, परंतु 150 हाथ भूमि उधर या उधर, इससे अधिक जय या पराजय किसी पक्ष को भी प्राप्त न हो पाती थी। अकस्मत राजा जनार्दन शर्मा, लोचन सिंह इत्यादि जो है मुसावली के निकटवर्ती नालों में इकट्ठे हो गए। आगे क्या करना चाहिए, इस पर सलाह होने लगी। लोचन सिंह ने कहा, यही गड़े गड़े मरना तो अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हथियार बिना चलाए ही कदाचित किसी दिन हेटो हो जाना पड़े, तब क्या किया जाए? जनार्दन ने धीरे से पूछा। अलमर्दना की सेना पर तीर की तरह टूट पड़ना चाहिए, लोचन सिंह ने उत्तर दिया, और तीर की तरह टूट निकल कर कमान को खाली कर देना चाहिए। राजा देव सिंह ने व्यंग किया, जैसी मर्जी हो, लोचन सिंह ने क्रूरता कहा, लड़ाई के बहाने भर भर करते रहिए। जब अलमर्दाना की सेना दुगनी चौगनी हो जाए तब घर चले जाइए। देव सिंह का थका हुआ चेहरा लाल हो गया, सोचने लगा। एक पल बाद बोले, आज रात तक रामनगर पर अपना झंडा फहरा सकेंगे। लोचन सिंह उत्तर देने में जरा सा हिचका।
देव सिंह मौत के बदले रामनगर मिलेगा लोचन सिंह, मैं तैयार हूँ, लोचन सिंह ने दृढ़ता के साथ कहा। जनार्दन जरा कसे स्वर में बोला, और आपको सरदार? लोचन सिंह ने कहा, मेरे साथी सरदार कुछ करने या मरने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। परंतु जनार्दन उत्तेजित होकर कुछ कहना ही चाहता था कि देव सिंह ने कहा, मेरा एक मतव्य है, लोचन सिंह क्या मर्जी है? देव सिंह रामनगर पर शीघ्र अधिकार कर लेने के लिए बढ़ना यमराज को नौतानों के बराबर है, परंतु अलमर्दाना अब धावा बोलने की अपेक्षा यह भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। रामनगर गढ़ और तोपों हाथ में कर लेने के उपरांत अलमर्दाना से खुली मुठभेड़ करना सरल हो जाएगा। हम जितने आदमी रामनगर की ओर आज बढ़ेंगे, सब अपने अपने सिर पर कफन बांधेंगे। वाह क्या वेश रहेगा, कोई देखेगा तो कहेगा कि मौत से लड़ने के लिए यमदूत आ जा रहे हैं। खंड 58। दूसरे दिन संध्या से पूर्व नित्य जैसी लड़ाई होती रही। लोचन सिंह जितने सैनिक रामनगर पर आक्रमण करने के लिए चाहता था उससे उसने मिल गए। उनके चेहरे पर उत्साह था या नहीं यह अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल पास के देखने वाला जान सकता था कि वे लोचन सिंह के साथ होने पर भी जो है फुसफुसाहट में मिठोली कर रहे थे और मुस्कुराते भी थे। नदी किनारे किनारे बिना पहचाने जाना असंभव था, इसलिए अपने भर के भरेकों की सीधे से कभी तौर तक और कभी भूमि पर रामनगर तक चुपचाप जाना लोचन सिंह ने तय किया था। रामनगर के नीचे पहुंचकर फिर आक्रमण करना था या मौत के मुंह में घुसना था। लोचन सिंह ने नदी में उतरने के लिए कपड़े कसे। पानी में जाने से पहले कुछ सोचने लगा। पास खड़ा एक सैनिक बोला, दाऊजी देखते हो क्या हो, खुद परो। लोचन सिंह ने कहा, जो कुछ देखना है रामनगर में देखूंगा, यहाँ देखने को रखा ही क्या है। नदी का तैरना जो सुरता का काम नहीं है, केवल बल का काम है। नदी के बहाव के विपरीत अंधेरी रात में तैरना वीरता का भी काम था, और ख़ास तौर से उस समय जब किनारे पर शत्रु बंदूक धरे धांस कर रहे थे। घोर परिश्रम के पश्चात रामनगर में कुछ दूरी पर सब के सब पहुंच गए। वहां पानी चट्टानों से होकर आया है, धारा तेज बहती है। विजय प्राप्ति के लिए सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा होना आवश्यक था, परंतु इस स्थान पर प्रकृति को पराजित करना सहज न था। टुकड़ियां तितर बितर होकर इधर उधर चट्टानों पर बैठ कर दम लेने लगी। थोड़े समय पश्चात किसी पूर्ण निर्णय के अनुसार दीपलीप नगर की सेना की ओर से रामनगर के ऊपर असाधारण रीति से गोलाबारी शुरू हो गई। लोचन सिंह को अपने निकट एक ऊंची चट्टान दिखाई दी, जो चढ़ाव खाती हुई रामनगर किले की ओर दीवार के नीचे तक चली गई थी। परंतु बीच में तेज धार वाला पानी पड़ता था और साथ ही इधर उधर बिखरे हुए थे। एक नाव दिखाई दी। लोचन सिंह ने आवाज़ दबाकर कहा, पीछे पीछे आओ। झांस झांस की आवाज़ आगे पीछे जल्दी जल्दी हुई। तेज बहती हुई धारा पर गोलियां ढेर हो गई। लोचन सिंह पानी में कूद पड़ा, परंतु नाव के पास पहुंचने में धार बार बार विघ्न उत्पन्न करने लगी। लोचन सिंह को आभास हुआ कि अब की बार बचना असंभव होगा। वह धारा के खिलाफ बहुत बल लगाने लगा और धारा भी उसे जोर से झटकने देने लगी। हाफता हुआ लोचन सिंह धीरे से चिल्लाया, क्या सब मर गए? पास के चट्टान से टकराते हुए पानी के चीरते हुए आकार एक व्यक्ति ने स्पष्ट कहा, अभी तो सिर का कफन गीला भी नहीं हुआ है। शाबाश, लोचन सिंह बोला, कौन? उत्तर मिला, बुंदेला। वह सिपाही किसी दृढ़ता में इतराया हुआ था उस धारा को पार करके नाव के पास जा पहुंचा। लोचन सिंह ने भी दुगना बल लगा दिया, वह भी नाव के नीचे जार लगा। पीछे से और सिपाही के आने की आवाज़ मालूम हुई, जो सिपाही पहले आया था उसने नाव पर चढ़ने की चेष्टा की। नाव के भीतर से किसी ने बंदूक की नाल से उसे धकेल दिया, वो नीचे गिर गया और थोड़ा सा बह गया। तब तक लोचन सिंह आ धमका, उसके हाथ भी वही क्रिया की गई, लोचन सिंह भी नीचे से धधक गया। इतने में वो सैनिक आ गया और नाव पर चढ़ गया। लोचन सिंह और कुछ अन्य सिपाही भी नाव में जा घुसे। नाव में रामगढ़ के 6-7 सैनिक थे, परंतु 2 के सिवा और सब सो रहे थे। दूर की तोपों के पास की बंदूक से वे धकाए जाग ना सके, परंतु नावकृतों ने धंस डालने से रस्से में बंधी हुई नाव डगमगा उठी। 2 सिपाही जो बंदूक के लिए तैयार थे चला ना पाए। लोचन सिंह ने उन्हें तलवार से असमर्थ कर दिया। लोचन सिंह और उसके सिपाहियों के नाम में इतनी बंदूक मिली ले ली
और अपने पास की पिस्तौल पैरे पहुँच कर भर ली। बोर्डे सुगला कर और उन्हें भली भांति छिपा कर किले की ओर आड़े लेती हुई यह टुकड़ियाँ बड़ी ऊपर से तोप आग उगल कर दिलीप नगर की सेना को जवाब देने लगी थी। कभी कभी आग की चादर सी तन जाती थी। आगे चलकर उस बातूनी सैनिक ने लोचन सिंह से कहा, अब क्या करें दाऊजी, फाटक पर गोलियों की बाढ़ दागो। लोचन सिंह ने आज्ञा के स्वर में उत्तर दिया। वह सैनिक बिना किसी झिझक से बोला, फाटक पर बाढ़ लगाने की अपेक्षा उस पर जोर का हल्ला बोलना अच्छा होगा। लोचन सिंह ने कड़वे कंठ से कहा, यह गलत कार्यवाही होगी, जो कहता हूँ सो करो, तुम अकेले फाटक पर जाकर चिल्लाओ। वह सैनिक बिना कुछ कहे सुने तुरंत फाटक की ओर दीवार को किनारे किनारे बढ़ गया। दूसरा सैनिक ने कहा, हमें भी वहीं जाकर मरने की आज्ञा हो। लोचन सिंह जरा सहमा। मौत की छाती पर सवार सैनिकों की इस बात के भीतर किसी लाने की छाया देखकर वह जरा सा लज्जित भी हुआ। बोला, हम सब वहीं चल रहे हैं। इतने में वह वाचाव सैनिक फाटक के पास पहुंच गया। तोपों के उस घुमघाम की आवाज़ खूब ऊंची करके चिल्लाया, खोलो, हम आ गए। फाटक पर रामनगर की सेना के योद्धा थे, वो घबराए, इधर बंदूक दाग घबराहट पड़ गए। उसी समय लोचन सिंह और उसकी साथी ने फाटक के पास आकर जोर से शोर गुल किया, कुछ बंदूक भी दागी। भीतर सिपाही फाटक छोड़कर भीतर की ओर हटे। लोचन सिंह और उसकी साथी कमद की सीढ़ी लगाकर दीवार पर चढ़ गए। भीतर घमसान युद्ध होने लगा। बंदूक तमोचे लड़ाके और तलवारें खनके लगी। रामनगर वालों का अंधेरे में यह जान न पड़ा कि दूसरी ओर से कितने सैनिक घुस आए हैं। फाटक खुल गया और रामनगर सेना में भागदौड़ मच गई। छोटी रानी लड़ती हुई फाटक से निकल गई। दिलीप नगर की सेना ने जोश के साथ जय जयकार किया। रामनगर में बहुत कम लड़ाके भागने से बचे, जो नहीं भागे थे उन्हें हथियार डाल दिए। लोचन सिंह की सेना के भी कई आदमी मारे गए और अधिकांश घायल भी हो गए, परंतु अपने अदस्त उत्साह और विजय के हर्ष में घावों की पीड़ा बहुत कम जान पड़ी। बतूनी सिपाही ने लोचन सिंह से कहा, दाऊ जी, फाटक बंद कर दीजिए, अपनी सेना को जय जयकार सुनाकर बुलाइए, नहीं तो यह विजय अकारस्थ रह जाएगी। लोचन सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम? कफन सिंह बुंदेला। लोचन सिंह ने कोई प्रश्नोत्तर नहीं किया, फाटक बंद करवा कर देव सिंह का जय जयकार करता रहा। दिलीप नगर की सेना का घेरा रामनगर की बाहरी वाली सेना और अलमर्दाना वाले दस्ते से छोड़ दिया और टुकड़ियां दूर हट गई। दिलीप नगर की सेना ने रामनगर के गार्ड पर अधिकार कर लिया। उस अंधेरी रात में यह किसी को न मालूम होने पाया कि देव सिंह ने कब और कहाँ से गार्ड में प्रवेश किया। देव सिंह के आ जाने पर गार्ड की ढूंढ खोज की गई। छोटी रानी तो निकल गई थी, पर बड़ी रानी मिल गई, उन्हें कैद कर लिया गया। रामनगर के पतन के बाद पत्रखान को राजा देव सिंह का अधिकार विकृत कर लिया, परंतु राजा ने उसे रामनगर में ससैन्य रहने का अवसर नहीं दिया। बेतावा के पूर्वी किनारे पर ही पर्वत रहने की कहा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर उसकी सेना का उपयोग किया जा सके। बड़ी रानी को अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा था। राजा ने क्षमा दे दी, दृष्टि जरूर उन पर काफ़ी रखी। रानी ने इस नज़रबंदी को ही बहुत गनीमत समझा। विजय की रात्रि के बाद जो सवेरे रामनगर में राजा के सरदारों की बैठक हुई, उसमें सभी लोग राजा के इस उदारता पर मन में रुष्ट थे। छोटी रानी का जिक्र आने पर लोचन सिंह ने कहा, महाराज, यदि अपराधियों को दंड न देंगे तो विजय पर विजय बेकार होती चली जाएगी। जनार्दन अवसर पाकर मुस्कुराया, बोला, दाऊजी, यह प्रश्न सेनापति नहीं राजनीतिज्ञ की सुलग करते हैं। लोचन सिंह को किसी बहस का स्मरण हो आया। राजा ने बोला, रामनगर की जागीर कब और किसे दी जाएगी? जनार्दन बोला, चमुंडा राय लोचन सिंह के सिवा उसे कौन पाएगा? महाराजा ने उसी समय तय कर दिया था, कुछ और निर्णय उसके विषय में नहीं करना था। मुझे तो चिंता छोटी रानी की है, उन्हें तुरंत कैद करने की आवश्यकता है। उनके स्वतंत्र रहने से बहुत सरदार चल विचल हो जाते हैं और अलमर्दाना को उनकी ओट में अपना काम बनाने का सुभाग भी रहता है। राजा ने कहा, छोटी रानी को जो कोई कैद कर लावेगा उसे शतमोहरे इनाम में दी जाएगी। जनार्दन खुशी के मारे उछल पड़ा, बोला, 100 मोहरे महाराज के दिन ब्राह्मण जनार्दन की ओर से भी दी जाएगी। राजा हंस पड़ा, एक क्षण बाद बोला, रामनगर की जागीर का सिरोपाव चमुंदा राय लोचन सिंह को इसी समय दे दिया जाए। शर्मा जी, लोचन सिंह ने बारीक हो लेकर कहा,
यदि मुझे मिल सकती होती तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं महाराजा के लौटा देता, परंतु वह मुझे नहीं मिलना चाहिए। क्यों? राजा ने जरा विवश के साथ पूछा। उत्तर मिला, इसलिए कि मैंने रामनगर नहीं जीता है, तब किसने जीता है? जनार्दन का प्रश्न किया। लोजा सिंह ने कहा, उसका संपूर्ण श्रेय मेरे एक सैनिक को है। रात के कारण उसका नाम नहीं पूछ पाया। वह जीवित अवश्य है, परंतु अंधेरे में न मालूम कहाँ चला गया। उसकी खोज करवाई जानी चाहिए। मर गया हो तो उसके घर में जो कोई हो उसे यह जागीर दे दी जाए। राजा ने सहज रीति से सहमति प्रकट की। यदि सबकी सहमति हो तो मैं यह चाहता हूँ कि रामनगर का कुछ भाग पदर खान के पास रहने दिया जाए। अब यह शरणागत हुआ है, इसलिए बिल्कुल बेदखल न किया जाए। लोजा सिंह ने निरपेक्ष भाव से कहा, हमारे उस सैनिक का पता महाराज पहले लगवाएं, तब रामनगर का कोई एक टुकड़ा पदर खान को या किसी को दें। राजा बिना सुनते से बोला, लोचा सिंह तुम्हें उस सिपाही ने कुछ तो अपना नाम बताया होगा। बतलाया था महाराज, लोचा सिंह ने उत्तर दिया, परंतु वह नाम बनावटी जान पड़ता है। कहता था मेरा नाम कफन सिंह बुंदेला है, विचित्र नाम है। राजा ने मुस्कुराकर जरा आश्चर्य के साथ कहा, तुम्हारी सेना में क्या सब योद्धा इसी तरह के वेतु के नाम रखते हैं? लोजा सिंह गंभीर स्वर में बोला, यदि मेरी सेना में सब सैनिक उस कफन सिंह से रेखी हो तो आपको घर घर चमुंडा राय की उपाधि न बांटनी पड़े। राजा ने पूछा, क्या तुम उसका स्वर पहचान सकते हो? राजा ने तुरंत स्वर बदल कर कहा, कफन सिंह बुंदेला। लोजा सिंह का क्रोध धोर विषम से परिवर्तित हो गया। छीन स्वर में बोला, यही स्वर सुना था महाराज का? जनार्दन ने चढ़ के साथ कहा। देवी सिंह खूब हंस कर बोला, महाराज का नहीं, कफन सिंह बुंदेल का। लोजा सिंह संभल गया, गंभीर होकर बोला, तब आप जागीर चाहे जिसे भी दे सकते हैं, 3/4 लोचन सिंह को और 1/4 पथर खान को, यदि वह सभी भक्त बना रहा तो। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे। तो आप बने रहिए तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तिरपान सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।